जो हमने प्ले करना है वो भी हम प्ले कर देंगे एंड एंटरटेनमेंट भी होगी इंटरेक्टिविटी भी होगी। सिल्वी की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी बीच बीच में जो मुझे तंग करती है, टाइम वेस्टिंग होती है, ठीक है ना। ऑलरेडी रमज़ान के अंदर 10 से लेकर 11 बजे का टाइम होता है हमारा, वो भी कम हो जाता है क्योंकि हम ऑब्वियसली थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि हमने रवायत पर बरकरार रहना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज आप लोगों को देंगे हम ज़्यादा टाइम। पहले से अनाउंस कर दूं कि आज आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है 0335488434 पे। उसके अलावा जो हमारा नंबर है वो क्या है भला, ये मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक, नंबर बता दीजिए मुझे आज का क्या है जी हमारा। 410-210-2249 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं, और 0092-251 लगाना ना भूलिएगा अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं। आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोई भी बात या फिर वो बात जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सिल्वी का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर नहीं भी करती तो आप लोगों को थोड़ा सा हम हेड्स अप दे देते, मैं हेड्स अप दे देता हूँ कि एक तो व्हाट्सएप पे आपने आज क्या करना है। हर मरतबा कोई ना कोई चैलेंज या कोई ना कोई हम एक्टिविटी आपके लिए लेके आते हैं। आज की एक्टिविटी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप की तस्वीरें दिखाई जाएं, आपकी फैमिली मेम्बर्स की, आपकी तस्वीरें, आपके बच्चों की, बहुत शौक से आप लोग शेयर करते हैं ताकि हम बाकी सारी दुनिया के साथ शेयर करें, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आज का एक चैलेंज है और बड़ा ख़ास चैलेंज है जिसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई सबक होता है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है। तो आज भी हम यही करेंगे कि आप लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग शेयर करें अपने दस्तरखान की तस्वीर। अब अक्सर औकात लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी शो भी मार रहे होते हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है, एंड काफ़ी बड़े बड़े दस्तरखान दिखा रहे होते हैं, उनकी टेबलें सजी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा डिशेज होती हैं, अल्लाह उनको और दे जी, एंड उनको शुक्र भी करना चाहिए, एंड बेशक एक ऐसी चीज़ है जिस पे उनको शुक्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अल्लाह उनको मज़ीद और दे। लेकिन काफ़ी लोग इससे ऑफेंड भी होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे हालात हैं और आजकल के दौरानिए के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं जिससे काफ़ी लोग ऑफेंड होते हैं कि भाई जो लोग हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है और बड़े ऑफेंड होते हैं। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सिंप्लिसिटी, सादगी, आजजी, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने दिखानी है एक सिंपल दस्तरखान दिखा के कि अफ्तारी के अंदर या सहरी के अंदर हम कितना सिंपल हो के मैनेज कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं और मुतमईन हो सकते हैं। हमें अपनी, आप लोगों ने अपनी तस्वीरें शेयर करके सारी दुनिया को यही हवाला देना है कि हमारी कौम जो पाकिस्तानी अवाम है वो सिंप्लिसिटी भी जानती है, वो सादगी भी पसंद करती है। एंड इस सादगी के ज़रिए हम एक ट्रेंड शुरू करेंगे कि अगर हमने सोशल मीडिया पे तस्वीरें शेयर करनी है तो ऐसी चीज़ों की करें जिससे बाकी सारे कुछ अच्छा सीखें, ना कि कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे बाकी सारे लोग कमतर फील करें या फिर ऑफेंडेड फील करें या फिर कॉम्प्लेक्स में आए। तो हम सादगी दिखाएंगे कि कितना सादा हम अपनी अफ्तारी का दस्तरखान लगा के खुशी से एक अच्छी अफ्तारी फैमिली के साथ कर सकते हैं, कितनी सादी हमारी सहरी हो सकती है, कितने सादे तरीके से हम पूरा रमज़ान गुजार सकते हैं, और आजकल के इन हालात के अंदर कितना ज़रूरी है ये सादगी हमारे लिए कि हम एक्सेस में ना जाएं, ज़्यादती की तरफ ना जाएं, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये तस्वीरें आप लोगों ने शेयर करनी है कि आपका दस्तरखान कितना सादा है, जिसका दस्तरखान सादा होगा और उस सादगी का मुजाहरा वो करेंगे बाकी सारी दुनिया को दिखा के, देखे जी सादगी में ही खुशी है, ना कि कोई ऐसा झूठा दिखावा करें कि हमारा दस्तरखान कितना बड़ा है, देखे जी हम इतनी ज़्यादा डिशेस खाते हैं, देखे जी इतना सब कुछ हमारे दस्तरखान पे मौजूद है। हम ये टेलीविज़न पे दिखा के बाकी सारों को जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते आजकल के हालात के अंदर, वो नहीं कर सकते, उनको हमने बुरा नहीं फील कराना। तो हम सादगी के ज़रिए उन सबको अच्छा फील कराएंगे कि देखे जी कम से कम तर भी अगर हम रखें तो हम मैनेज कर सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं और हम खुशी खुशी ये पूरा रमज़ान का एक बहुत नेमतों से भरा महीना गुजार सकते हैं। तो आज का व्हाट्सएप का चैलेंज ये है, जब आप अपने दस्तरखान की तस्वीरें शेयर करेंगे तो उसके साथ जो बाकी तस्वीरें भी शेयर करेंगे वो भी फिर मेरी ज़िम्मेदारी होगी कि मैं बाकी सारी दुनिया के साथ शेयर करूं। नंबर व्हाट्सएप का है 0335488434, नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है, और फ़ोन लाइन का नंबर है 410-2249। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है या फिर इमेजेस नहीं सेंड कर सकते हैं तो फ़ोन लाइन
ओपन है, उस पर कॉल करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से। उसके अलावा जो टॉपिक है वो सारा डिपार्टमेंट सिल्वी का, आज जिम्मेदारी उनकी है, तो जब तक वो नहीं आएंगी मैं सॉरी ये कैरी ऑन नहीं कर सकता। सिल्वी रास्ता ढूंढ रही है इस वक्त सेट को एंटर करने का, और सिल्वी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। ये मुख्तलिफ पिछले प्रोग्राम्स का बदला लिया आज? हाँ, मैंने आज ले लिया क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में कैवान हमेशा लेट आते थे। मैं लेट नहीं आता था, मैं वेट करता था कि आप कब आएंगी फिर मैं आता हूँ। इतनी बुरी आपको मेरी कदर है। अच्छा कैवान, वैसे मैं आ रही थी तो रास्ते में मैंने सुना आज कोई सादगी की बात हो रही है। मैंने मुश्किल वाला काम कर लिया। कौन सा मुश्किल वाला? ये जो टॉपिक एंड ये जो सारा एस्टैब्लिश करना होता है ना, हाँ। कि आज किस हवाले से बात होगी, तो वो मुश्किल काम मैंने कर लिया। चलिए काम करते हैं ना, आगे वाला प्रोग्राम आप लेट हो जाएं मैं करूंगी। ना करें ना, हाँ। क्यों अपने ऊपर इतनी सारी पक्की बात है, आप लेट हो जाएं। कैसे मैनेज करेंगी आप? मैं मैनेज करूंगी। कर लेंगी? हाँ मैं करूंगी। चलें फिर अभी मुझे बताएं कि सबसे पहले हम नाज़रीन को क्या दिखाने वाले हैं। रमजान ट्रांसमिशन के बारे में, हमारा जो रमजान शादमान होता है उसकी जो ट्रांसमिशन होती है K2 पे, उसको हम दिखाएंगे। दो दिन हमारा होता है, माजिबीन करती हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आरिफ काजी साहब करते हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे मिशी खान के साथ होता है। अच्छा कैवान, अब मैं आपको भी बताऊं, आपको पता नहीं होगा, मैं भूल जाता हूं। हाँ भूल जाते हैं। उस ट्रांसमिशन में आप देखिएगा मुख्तलिफ हमारे एंकर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं कैवान, ये हमारे माजिबीन हो गई, मिशी खान हो गई, आरिफ काजी साहब हो गए। अगर आप देखें हमारा, हमारे नेटवर्क की एक बड़ी खूबसूरत बात है, हमारा सेट एक होगा, आप देख लें एक ही सेट होगा, हमारी थीम भी एक होगी, लेकिन नए नए अंदाज में ये एंकर्स उसको लेके आएंगे, नए नए गेस्ट बिठाएंगे, इसमें हम फजाइल रमजान पे बात करेंगे, हुकूकुल इबाद की बात होगी, रमजान के हवाले से थीम हमारी एक है, रमजान पे बात होगी, एंकर्स तीन मुख्तलिफ हैं, सेट एक है, हर चीज एक होती है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में लेके आते हैं, ये बड़ी खूबसूरती है। और नेटवर्क की बात की जाए तो खैबर टीवी भी आप देख लें, पेशावर से हमारे खैबर टीवी पे, वहाँ पे भी रमजान ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पे भी बड़े बड़े स्टार्स उसको एंकर करते हैं, जैसे मीना शम्स हो गई, जकीर रहमान हो गए, शिनो मामा हो गए, तूबा हो गई, शाजमा हलीम, नासिर खान करते हैं, वो भी आप देख लें। तो लेकिन फिलहाल हम अपनी K2 की ट्रांसमिशन की बात करेंगे। जो सारी आपने बात की ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है, जो हमारे शुरू में जो मैंने टॉपिक एस्टैब्लिश किया उससे मिलती जुलती बात है, हाँ। कि हमने सारे एसेंशियल्स पूरे किए, बिल्कुल, हमने साथ साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का भी बंदोबस्त किया, हमने हुकूकुल इबाद की भी बात की, हमने मजहब के हवाले से भी एक चीज को साथ कैरी किया, रमजान शरीफ को भी साथ लेके चले, फजीलतों के हवाले से भी बात की, नातों का सिलसिला, हमदो नात का सिलसिला साथ साथ चल रहा है, ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते ये सब कुछ सादगी से हमने पेश सादगी से हुआ है। अपनी सारी एवीटी चैनल्स नेटवर्क की माशाल्लाह से जो स्क्रीन्स हैं उसमें सादगी को मद्देनजर रखते रखते ये सारी चीजों को हमने साथ लेके चलना, ऑब्वियसली एक हमने रवायत बनाई हुई अपना, और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि सादगी का ये मतलब नहीं है कि रंग ना हो, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप तैयार हो के ना, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप मुस्कुराएं ना, सादगी इन सारी चीजों के साथ भी हो सकती है। और एवीटी चैनल्स नेटवर्क के अंदर बेशक वो खैबर हो या फिर K2 हो, इसके अंदर हमने ये एक रवायत शुरू दिन से एस्टैब्लिश की हुई है कि हमें ओवर द टॉप भी जाने की जरूरत नहीं है और इतना भी सादा होने की जरूरत नहीं है कि हम सादगी को जस्टिफाई करते करते स्क्रीन ही डेड कर ले, गंदे फजूल से कपड़े पहन के आ जाएं और बस आए वहीं बैठे रहें, इस तरह नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक बात करूंगा जो कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, ठीक है ना, कुछ लोग जब हम कुछ भी करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि आप इन हालात के अंदर तैयार क्यों होके बैठी हुई हैं, आपने मेकअप क्यों किया हुआ है, आप इसके अंदर मतलब कि हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, आप लोग को शर्म नहीं आती है। एक सबसे बड़ी डिबेट जो होती है दुपट्टे की होती है, ठीक है जी, काफी लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि सर कवर होना चाहिए, लेकिन मैंने काफी लोगों को एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हुए देखा है कि जिसने दुपट्टा पहना भी होगा तो उसके दुपट्टा कितना इंचेस आगे है कितना इंचेस पीछे है उससे भी मसला होगा, ऐसा ही है। तो जिसने खुश नहीं होना ना उसने किसी हाल में खुश नहीं होना, लेकिन जो देखिए हमारा मकसद नहीं है कि हम ये तो मेरे ख्याल से कहना ही फजूल है कि K2 टेलीविजन पे
फहाशी फैलाना हमारा कोई मकसद हो नहीं, क्योंकि हमारा शुरू दिन से मकसद रहा है कि हमने कौमियत को, हमने वैल्यूज को, हमने ट्रेडिशंस को, हमने मजहब को, अपने फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम को, ये जो सारी पाकिस्तानी चीजें ना उसको आगे इनको आगे लेके चलना है, प्रमोट करना है। जब हमारा मकसद ही ये है, मिशन स्टेटमेंट ही ये है, हमारी थीम ही ये है, जिसके बेसिस पे हम कमर्शलाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर भी जब इस तरह की तनकीद आती है तो फिर ऐसे लोगों की जो एक आई मीन क्या एक अच्छा लफ्ज होगा इनके लिए जो ज्यादा ऑफेंसिव ना हो, आप लोगों की मासूमियत के हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मासूमियत क्योंकि समझने की कोशिश करें कि हम टेलीविजन स्क्रीन के जरिए कुछ बुरा फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ना हम कोशिश कर रहे हैं, ना हमें इश्तेहार मिलते हैं, क्योंकि हम उस बेसिस पे इश्तेहार लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इश्तेहारों पे चलता है टेलीविजन, सारों की तनख्वाहें भी उस इश्तेहारों के बेसिस पे होती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब आपने फिर भी तंकीद करनी है, इसका मतलब ये कि आपके दिल के अंदर ही कोई चोर है। ये बिल्कुल सही बात है, बड़े कम लोग इस पे जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है उसके अपने दिल के अंदर कितना बड़ा चोर हो। ऐसा ही है बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा तनकीद करता है और जो सबसे ठीक है, जैसे कि अवान ने बोला है, हम हमारे चैनल पे K2 पे हम कभी फहाशी नहीं, और अगर आप खबरनामा हमारा देख लें, बाकायदा सरों पे हमारे एंकर्स, मैं खुद भी कहूंगी, कभी कभी मैं भी कहती हूँ सर पे दुपट्टा जरूरी है, लेकिन हमारी यही होती है कि नहीं, एंकर्स को सर पे दुपट्टा लेना होगा, क्योंकि ये हमारे उसमें है, हम अपने इकदार को आगे लेके चल रहे हैं, कल्चर है। मैं इसको माफ कीजिएगा, मैं इसको मजहब से ज्यादा नहीं, मैं अपने कल्चर से ज्यादा रिलेट करूंगा। ये हमारे मुल्क का कल्चर है, बहुत खूबसूरत कल्चर है, मैं इसको फैशन स्टेटमेंट भी कहूंगा। बिल्कुल, दुपट्टा एक बहुत खूबसूरत चीज है, एक फैशन स्टेटमेंट है, एक हमारे हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारी अवाम का कल्चर है, जो हमें पाकिस्तानी डिफाइन आइडेंटिफाई करता है कि ये तो पाकिस्तानी और बहुत खूबसूरत है इसमें। लेकिन अगर आप वो डाल देंगे ना चीज के दुपट्टा इतना नहीं और इतना है और आराम हो गया सब कुछ, हाँ, ये बिल्कुल, ये फिर आप उस चीज को खत्म कर रहे हैं, आप मजीद फिर वो अपनी सोसाइटी के अंदर खत्म कर रहे हैं। इस तरह अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। एंड जहां तक पर्दे की बात है, बिल्कुल जी, पर्दा जहाँ जहाँ होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वहाँ वहाँ हम बिल्कुल लिहाज करते हैं। एंड हमारा कभी मकसद नहीं होता कि हम इसको चैलेंज करें, बिल्कुल डिबेट नहीं है, हम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट, मुस्कराना, हंसी मजाक भी उतना ही ये भी जरूरी है। एक कॉलर लेते हैं इस पे जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम केवन भाई, आपको सलीहान को प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से और हुलूस की बुलंदियों से प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? साबिर मर्दान से, बालागढ़ी मर्दान से। ये देखिए हमारे रेगुलर कॉलर है तकरीबन। क्या हाल है जनाब आपके? शुक्र है अल्लाह का, सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। देख रहे हैं प्रोग्राम, सुन रहे हैं शुरू से हमारी संजीदा बातें? बिल्कुल, प्रोग्राम तो शुरू से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम तो आपकी जो है ना के टू के और हैबर के सब प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, जो हमने आज थोड़ा सा एक संजीदा डिस्कशन छेड़ी है, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी, ये हम बाहर से कह रहे होते हैं कि ये फैमिली चैनल है, हम घर में अपने फैमिली के साथ आपके सारे प्रोग्राम देखते हैं। सही है, ठीक है। और सादगी की बात जो आपने की स्टार्ट में, तो सादगी तो वाकई होनी चाहिए, क्योंकि सादगी जो है ना वो ईमान की अलामत है। बेशक, बिल्कुल सही। सिलिहान तो संग है زه بالکل خیم هم زمونږ چې څومره خبرو کو پردو کې اخر کې پختو تراشه زه بالکل ټیک ټاک هم دار ته وای چې اوس څنګه حالات تل څنګه دی روجو کې څنګه حالات دي مردان کې شکر مردان کې پچی لگ داون کومونه کې نرمي راغله د کافي حد پورې او بازار نو اختر اختر روز راغلی دی نو رشتي اختر روز کې ګورنمنت هم لک شانتي دغه لغه کړي دي چې لګ نرمي پکې راشي کنه نو چې خلک بار وتی شي چې ځان له سود سودا کولی شي किस चीज को देख रहे हैं फिर से क्या हुआ? अच्छा, आज हमने अपने नाज़रीन को कोई चैलेंज दिया है या कोई टास्क दिया है? नहीं, पहले हम पिछले हफ्ते का एक राउंड अप दिखा दे रमजान ट्रांसमिशन का। हाँ, रमजान नाज़रीन, हम बातें नहीं सिर्फ करते, हम दिखाते भी दिखाते हैं। नहीं है, हमारे पास विजुअल सपोर्ट सिस्टम है, VSS। मैं टेक्निकल सी जान के ना मुश्किल सी टर्म बना दी आपको जरा कंफ्यूज करने के लिए। जो हमारा विजुअल सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा मल्टीमीडिया होता है, जिसमें हम आपको तस्वीर और कुछ झलकियों के जरिए दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते की ट्रांसमिशन के दौरान
हमने क्या, क्या, क्या खास खास चीजें की हैं, जैसे कि इस टेलीविजन पे पॉज हुई हुई है मिशी खान, नहीं दिख रहे लोग। इस पॉज को करते हैं प्ले और आपको दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते रमजान शादमान की स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर हमने किया क्या क्या, क्या? वजह नहीं है, ये तो साइलेंट पे था ही नहीं, मुझे तो अभी याद आया। शर्म नहीं आती लेकिन आपको? किस क्यों क्यों मुझे प्रोटोकॉल होते हैं प्रोडक्शन के, मेरा मतलब है क्या क्यों हम वापस हाँ तो क्या हुआ, फोन साइलेंट पे नहीं किया हुआ, लेट आ रही है, आई मीन हाई लैक ऑफ क्या कहते हैं, हाइट ऑफ लैक ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हाइट भी है साथ, हाइट ऑफ लैक ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। क्या हो गया, क्या आज ही हो गया, कोई मसला नहीं, आगे चलो ना। रोज अच्छा अच्छा रोज रोज कवर रोज होता है, मतलब लोगों की बात सही, वो कहते हैं रोज हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं रोज प्रोग्राम के वाले से नहीं बात कर रहा, बाकी जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूं, रोज नहीं लेट आती हूं। नाज़रीन आप लोगों ने झलकियां देखी पिछले रमजान, पिछले हफ्ते के रमजान ट्रांसमिशन, रमजान शादमान जो हमारा एक स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला है 4:30 से लेके ऑनवर्ड्स, जो महाजिबीन एहसन, मिशी खान और आरिफ काजी साहब करते हैं अपने मखसूस दिनों के ऊपर। उस पर रंगारंग सेगमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स भी होते हैं, बहुत मजे के गेस्ट भी होते हैं, एंड क्या खूबसूरत नात और हम्द का सिलसिला भी होता है, जिसमें जी हमारे जो अपने कुछ काफी टैलेंटेड सितारे हैं बिल्कुल बहुत खूबसूरती से नात पढ़ते हैं। इसमें जिया नुमान आ जाती हैं, जुनेद खान आ जाते हैं, नुमान खान नशारी आ जाते हैं, तो हमने नातों का सिलसिला भी बड़ा एक्सक्लूसिव और उसके ऊपर अटेंशन देते हुए वो अपने सितारों के हवाले किया है। बिल्कुल सितारों कि भाई हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, तो जो हमारे टैलेंटेड केटू के सितारे हैं वही पढ़ेंगे नाते, एंड उसके अलावा साथ साथ और लोग बड़ा शौक रखते हैं नाते पढ़ने का और स्क्रीन पे आके पढ़ना चाहते हैं, उनको भी साथ साथ मवा के देते हैं, बिल्कुल हमने सबको खुश करना है, बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है ना। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहां से? जी मैं गिलगित से बात कर रहा हूं, ज़ुहेब बात कर रहा हूं। ज़ुहेब बात कर रहे हैं जी, गिलगित से। आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत प्यारा प्रोग्राम था माशाल्लाह। क्या अच्छा लगा ज़ुहेब आपको इस प्रोग्राम में? बस प्रोग्राम में तो ज्यादातर जो मूवीज के बारे में बात करते हैं ना, मतलब आप बात कर रहे थे तो एक टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बात हो रही थी, बस प्रोग्राम तो मतलब अभी चैनल आगे पीछे करा था तो वजह से मैंने आपके वो प्रोग्राम देखा तो ऐसे बहुत प्यारा था। इससे पहले ये खैबर प्रोग्राम हो रहा था वो भी बड़ा प्यारा था, लेकिन ये केटू वाला उससे बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हम खैबर के बारे में भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हमारा बड़ा भाई है वो। जी मैंने कहा खैबर के बारे में भी हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि केटू का बड़ा भाई है खैबर। हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं, मैं तो खैबर का भी बड़ा फैन हूँ और ये केटू वाले भी, असल में मैं खुद गिलगित से ही बात कर रहा हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहेब। मुझे और बताइए कि हमने शुरू में एक बात छेड़ी थी सादगी के हवाले से, तो आजकल आप रोजे जो रख रहे हैं माशाल्लाह, उसमें अफतारी कैसे करते हैं, सहरी कैसे करते हैं, क्या खाते हैं अफतारी और सहरी के अंदर? बस अफतारी में जो भी मिल जाए, जैसे कि आम जो लोग खाते हैं ना वही। आम लोग क्या खा रहे हैं आजकल? आम लोग क्या खा रहे हैं? बस जैसे कि अबे रोटी हो गई उसके बाद। अच्छा छोड़े, मुझे बताएं आज क्या किया इफ्तारी में, क्या किया? बस आज तो असल में वालदा थोड़ी बीमार है तो खुद इफ्तारी बनाया मैंने।
अच्छा, तो फिर किस तरह अफ्तारी की आपने? तो बस ज्यादातर तो कुछ बनाना नहीं आता, बस बिरयानी बनाई, उसके बाद कुछ आलू कीमा बनाया और चटनी बस, और बाजार से बस पकोड़े और वगैरह लाए। कितने लोग थे? बस मैं था और छोटी सिस्टर थी और वालदा था। सही है, तीन लोगों की इफ्तारी। जी भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई ये इफ्तारी? ये तो ज्यादा पड़ गई होगी आप लोगों को। नहीं भाजी, नहीं, बस वैसे भी आपको तो पता है ना, इफ्तारी से पहले बहुत शौक आता ना खाने का, मतलब मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, फिर जब बैठ जाते ज्यादा मूड नहीं बनता है, और वैसे भी यहाँ का मौसम जो है बहुत ठंडा है, इस वजह से खाने को बहुत मूड आता है। अच्छा मुझे बताइए, जो सारी इफ्तारी बनी थी ये खत्म होगी ना, बची तो नहीं? तो बस तकरीबन खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर बारिश का मौसम है और मौसम भी काफी ठंडा है, उस वजह से तो मुश्किल था कि सारा खत्म करना, लेकिन फिर भी थोड़ा रह गया था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, और आपने हमें अपनी इफ्तारी के अहतमाम के हवाले से भी आगाह किया। अच्छा मकसद बताऊं क्या, सादगी के बारे में कैसे पता चलेगा? कुछ लोग कहेंगे यार ये भी सादा है, काफी है, ज्यादा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे यार मीन ये कम है, बहुत ज्यादा, ये सादगी से भी कम हो जाता है। बिल्कुल, ये मेजर करने का बताऊं क्या तरीका है? क्या तरीका? जो बनाया है वो खाया है, उससे पेट भरा है और वो खत्म हो गया, बच नहीं, जाया नहीं होना चाहिए और ओवर फुल नहीं होना चाहिए, पेट खराब नहीं होना चाहिए, दर्द ही नहीं होनी चाहिए इफ्तारी के बाद, ठीक है ना, पेट भर जाना चाहिए। पेट भर गया और जो दस्तरखान पे था वो खाली हो गया, ठीक है ना, और अगर बच गया तो किसी और के लिए बच गया, वो जाया नहीं होना चाहिए, फिर आपने सादगी से ही किया सब कुछ। लेकिन अगर बच भी गया है, पेट भी फट रहा है, तो कुछ गलत है, ठीक है ना। तो ये स्केल है जी मेजर करने के लिए कि क्या सादगी से हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। हम इधर बैठ के जज नहीं करना चाहते, किसी को जज नहीं करना चाहिए, आपको किसी के हालात के बारे में या फिर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी का नहीं पता, ये मैं आपको बता दूं, खुदा का वास्ता जजमेंट करना बंद कर दें। जजमेंट अगर है तो है सिर्फ अल्लाह मियां के हवाले, सही बात है, वही जज कर सकता है, वही जानता है लोगों के दिलों में क्या है, वही जानता है किसकी क्या वजूहात है। सोशल मीडिया पे जाके, बल्कि कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि टीवी पे कॉल करके कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन आरिफ काजी साहब के प्रोग्राम पे कॉल आई थी कि आप ये जो कुकिंग दिखा रहे हैं, आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं महंगी महंगी चीजें कुक कर। बिल्कुल केवान, और मैं यही बात कर रही थी, उस दिन सोशल मीडिया पे मैं कहीं कर रही थी, कुछ चीज सर्च कर रही थी, मुझे एकदम से एक पिक्चर मिली एक लड़की की, और उसने इफ्तारी का अपने दस्तखान का पूरा एक पिक्चर उन्होंने बना के दिया, और उसमें क्या क्या चीजें नहीं पड़ी थी, पकोड़े, समोसे, मैक्रोनी, बिरयानी, शामी कबाब, बहुत सारी। और मैं सोच रही थी कि ये इतनी सारी चीज़ें कितने बंदे खा सकते हैं, मतलब चार पांच बंदे भी हों तो इतना सारी ये चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। मैं सोच रही थी ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि केवान बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनके यहाँ रोटी भी मुश्किल वो बना रहे होंगे, या ये पकौड़े बनाना वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और वो लड़कियाँ अक्सर मेरी दोस्त भी करती हैं, इतना पूरा मेज़ उन्होंने सजाया होता है और उसमें किस्म किस्म के चीज़ें पड़ी होती है खाने पीने की, मतलब ये क्या, ये आया ये एहसास कमतरी के शिकार लोग हैं कि उनके पास ये चीज़ें, उनको बड़ा वो, और नॉर्मल दिनों में मेरे ख्याल में उनके पास ये चीज़ें होती नहीं है। तस्वीर बनानी होती है तो उस दिन उन्होंने जो कुछ मिलता है बस बना रहे होते हैं दिखा रहे होते हैं। ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जो लोग मुतमइन हैं और अपने निज़ाम से खुश हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं, वो दिखाते नहीं है। उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो सैटिस्फाइड है, मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगा था वो मिला है, उससे बेशक अगर कम भी मिला है, ज्यादा भी मिला है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड वो इसलिए क्योंकि जो लोग दिखा रहे हैं वो जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वो दिखाई इसलिए रहे ताकि किसी को ये लगे ही ना कि कम है। बिल्कुल कि वो कम है। मैं हैरान होती हूँ कि मतलब आप लोगों को हैरान, अच्छा मैंने कहा हैरान होती हूँ वो लोगों को आखिर क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब अपनी औकात से बढ़कर उन्होंने चीजें रखी होती हैं। इससे सिर्फ ये नहीं, हम उनके बारे में बुरा भला नहीं कहते, चलो ठीक है वो एहसास कमतरी का शिकार है, अल्लाह उनको इतना ज़हनियत दे, मजीद दे कि उनको ये करना ना पड़े, लेकिन जो लोग बाकी जिनके पास नहीं होता, जिनको आप दिखा रहे होते, वो बड़ा बुरा फील करते हैं, बहुत ज्यादा उनके दिल के अंदर एक अजीब सी नफरत सी भी आ जाती है, उनके दिल के अंदर एक वो कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा अब व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा जरूरी चीज होती है वो व्हाट्सएप होती है, उसको हमने थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। तो व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस आए हुए हैं, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। क्या हाल है आप दोनों का? बहुत हार क्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाम नहीं बताया, क्यूट है
क्यूट है. अस्सलामुअलैकुम सर, आई लाइक योर प्रोग्राम एंड माय पिक्चर इन योर प्रोग्राम. सैफ मक्की मिशाल मजर सरगोदा से ये हैं जी दोनों. खैर अगर आप तारीफ ना भी करें फिर भी क्या हुआ, आपकी पिक्चर दिखाएंगे. लेकिन एक मैंने आज एक चीज एस्टेब्लिश की है व्हाट्सएप पे, मुझे अपने दस्तरखान की तस्वीरें दिखाई ना जरा. कितनी सादगी से मना रहे हैं आप ये रमजान. दस्तरखान पे कितनी चीजें हैं, जितनी जरूरत है उतनी है या थोड़ी जरूरत से ज्यादा है? और अगर जरूरत से ज्यादा है तो आप जाया तो नहीं होने दे रहे, आप किसी और की मदद कर रहे हैं उससे, किसी और की भूख मिटा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत अच्छा सबक है. क्योंकि जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए ना. और ये मैं मानती नहीं हूँ कि आपने पिक्चर नहीं बनाई होगी, क्योंकि आजकल जो भी बंदा एक प्लेट भी सामने रखी हो उठा के मोबाइल ठक करके आज मैंने ये बनाई है स्टेटस डाल देता है, आज घर पे बिरयानी बनी थी, आज घर पे ये बना था. अस्सलाम वालेकुम जवान भाई, राजा मोहम्मद नाजिम है, फोटो दिखा दे मेरे नेफ्यू की राजा मोहम्मद सारे में. लेट आने पर सिल्वी आप ही को 50 रुपए फाइन होना चाहिए. 50 रुपए? अच्छा ये अच्छी बात है, 10 रुपए कह दी. 50 रुपए ये लोग, ये सिर्फ यहाँ पे कैमान नहीं है, हमारे पास पूरा यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा कैमरा स्टाफ होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनएलई होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं. 50 दस्तरखान की फोटो तो कभी बनाई नहीं, इसलिए माजरत. आपको जो फोटो सेंड की है ये दिखा दें. चंगे गए हो तुम, ठीक है जी दिखा देते हैं आपके नेफ्यू की तस्वीर. माशाल्लाह सही उनका गेटअप किया है आपने, चौधरी चौधरी नहीं वैसे राजा है ना, राजा जी ठीक है. अच्छा मुझे बड़ा वैसे चेड़ होती थी एक जमाने में, मुझे राजा जी एक वो बना हुआ था एक स्टीरियोटाइप, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि ये तो बड़ी फिट चीज है. हां अच्छी बात है, राजा बोला राजा का सीन राजा जी के साथ. क्या हुआ सो गए हो? नहीं 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 मैसेज नहीं किया आपने, ये क्या बात हुई एकदम से नाराजगी का इजहार कर, थोड़ा सा टाइम तो दे. K2 फैमिली टीवी चैनल है मेरा भी. अस्सलाम वालेकुम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है. मेरा भी K2 फैमिली टीवी चैनल है, फेवरेट टीवी चैनल है यही. जिन लोगों को कोई काम नहीं होता वही लोग तंकीद करते हैं. फ्रस्ट्रेशन निकालनी चाहिए. तस्लीम अब्बासी है सर, आपने उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा है, कमाल है आपका, लेकिन मुझसे पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उर्दू इधर से शुरू होती है और इंग्लिश इधर से शुरू होती है. कहते हैं तंकीद बेशक करे बराए इस्लाह, ना के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल. सही बात है, तंकीद बराए इस्लाह ठीक होती है, उस पर हमने कोई बात नहीं की कहने उस तरह की तंकीद. तनकीद बराए इस्लाह ठीक है, लेकिन वाकई जो आपने बात की कि फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना वो ठीक नहीं है, उस पर ही हम कह रहे थे, उसको ही हम. सादगी सुन्नत है, और आप अगर कुछ ज्यादा एहतमाम करते हैं तो अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखें. माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की जी आपने, और आपने अपने हस्बैंड की तस्वीर शेयर की है, दिखा ये नहीं जी. माशाल्लाह आपने अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं. अच्छा सलाम, आई एम फ्रॉम मोहसिन कियानी फ्रॉम रवात इस्लामाबाद. ये पिक दिखा दे, ये पिक देख ले, दिखा दे. दिखा देते जी, सिंस मैंने व्हाट्सएप थोड़ा लेट ओपन किया है तो आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर लेते. माशाल्लाह भाई आप आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, नाइस प्रोग्राम भाईजान, नाम नहीं बताया. आप कौन सा दिन है जिस पे आप प्यारे नहीं लग रहे होते, क्यूट लग रहे होते, ब्यूटीफुल लग रहे होते? वैसे ही उन्होंने कॉपी पेस्ट करना होता है मुझे. नहीं है, इन लोगों का प्यार है, है कि नहीं है? हाँ, अच्छा बताए. अच्छा ईस्ट एंड वेस्ट K2 की दुनिया इज बेस्ट, सावेर बाला गए. अच्छा ये जी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, अब आपके मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और आपकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, तो अब आप इस पे अच्छा कहने की देर थी. चार मैसेजेस दिख रहा था आगे. अच्छा बंडल ऑफ थैंक्स कह रहे हैं, उसके अलावा स्टिकर आया है, कोई फायदा नहीं दिखाने का. वॉइस मैसेज आया है, नहीं सुना सकते. और ये जी साबिर बाला गड़े रिपोर्टिंग करते हुए, इनको शौक होगा. तो सर आज जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया या फिर मेरा टॉपिक बताने के बाद ट्यून इन किया, तो उनको बताता हुआ चलूँ कि आप लोगों ने अपने दस्तरखान की तस्वीर भेजनी है हमें व्हाट्सएप के ऊपर. कितनी सादगी में नहीं जा रही है, कितना सादगी के साथ आप अपना एहतमाम करते हैं इफ्तारी का और या फिर सहरी का, एंड इस सादगी के साथ साथ आप कितने मुतमईन हैं अपनी जिंदगी से, ठीक है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से बंदा होता ही मुतमईन है जब वो सादगी दिखाता है. जब बंदा ओवर होता है या फिर वो गिल्ट या फिर शर्मिंदगी से दिल में होता है, बिल्कुल वो दिल में होता है. हां ये चीज मैंने तो सोशल मीडिया पे जी सिल्वी एक मैंने ट्वीट देखी थी जी. बड़ा बुरा लगा था मुझे देख के. एक शख्स ने बड़ी को लंबी सी टेबल पे इफ्तारी दिखाई जी, अपनी शक्ल नहीं थी साथ. अच्छा। इफ्तारी पे बहुत मुख्तलिफ डिशेज, बहुत वैरायटी, माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ। पीछे उसने अपना गराज पोर्च दिखाया जिसमें उनकी 3 बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई. मुझे समझ नहीं आया कि इसका मकसद क्या था.
मैं क्यों क्या वो बताना क्या चाह रहे हैं? माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत दिया, आप गाड़ियां दिखा रहे हैं, आप अपनी बहुत लंबी चौड़ी इफ्तारी दिखा रहे हैं, शो ऑफ करना क्यों पता नहीं हम लोगों का क्यों ये मसला है कि हम शो ऑफ करते हैं कि हम हमने आज ये किया, मुझे जरूरत नहीं समझ आई इस चीज की, यानी ये हमें भी नहीं करना चाहिए। और अगर अल्लाह ने दिया है तो उतना ही मेरे ख्याल से आजजी दिखाने की जरूरत है, उतना ही अपने तक रखने की जरूरत है, जिसको कहते हैं ना लो प्रोफाइल रखने की जरूरत है, लो प्रोफाइल, क्योंकि फिर बड़े लोग देख के नफरत की नजर से भी देखते हैं, फिर नजर भी लगती है, और फिर नजर लगती है और फिर आप लोग को इफेक्ट भी होता है। और ये मेरे ख्याल से काफी लोग एग्री करेंगे ऐसे ही है। कि अपनी अगर ऐसी चीज है जिस पे आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अगर आप वो शुक्र करने से पहले दुनिया को दिखा रहे हैं ना तो अल्लाह आपसे ले भी सकता है। हाँ, बिल्कुल, जो देने वाला है वो आपसे ले भी सकता है, बहुत जल्दी ले सकता है, और काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा जी, एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैमान से इब्राहिम बोल रही हूं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इब्राहिम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैरियत। बहुत अच्छा हो गया आपकी आवाज सुनने में। वेलकम टू के2 की दुनिया। बहुत शुक्रिया कैमान। बाकी मेरी नेगलिजेंस से मैं बात नहीं कर पाती बहुत ज्यादा, लेकिन बहरहाल अपडेटेड रहती हूँ आपके प्रोग्राम से और आप लोगों के साथ साथ रहती हूँ। आपने जो भी स्टार्ट किया कैमान, आपने जो सोलो स्टार्ट लिया था, एक तो बहुत अच्छी बात है। अमूमन बेसिकली जब आपने के2 का बताया था कि आपके आप लोगों ने जब टीवी चैनल लगाया है तो अपेरेंटली यही लगता है कि किसी एम के साथ आपने ये चैनल बनाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ आपके वालिद का कोई एम होगा, कोई उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि कुछ सर्टन वैल्यू के साथ चलाना है। अर्निंग सिर्फ सोल अर्निंग प्रोग्राम जिस तरह हम बाकी चैनल्स को देखते हैं वो नहीं लगता के2 को देखने की सोल अर्निंग आप लोगों का मिशन था जी। और सेकेंडली ये कि आपने उसके बाद ये लिबास पे जो लोगों की तनकीद थी, ये एक डिग्निटी है लिबास, और ये हर इंसान इंडिविजुअली जानता है कि उसे डिग्निफाइड रहना है या नहीं रहना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। गो के हमारे मुआशरे और इस्लाम मजहब के अंदर कुछ वो हैं, बाउंड्रीज हैं, लेकिन बहरहाल वो राइट, मुझे वो बाउंड्रीज किसी जो सेट की गई हैं वो मुझे ये राइट नहीं देती कि मैं लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दूं। जी बिल्कुल। अगर मैं अच्छे तरीके से किसी को बता सकती हूँ, अगर मेरी बात जब उनको समझ आ जाती है इस तरह के वो ऑफेंड ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई उठ के लिबास पे तनकीद शुरू कर दे, किसी के पास ये राइट नहीं है। बिल्कुल जी। और दूसरा, आप जो दस्तरखान की बात कर रहे थे कैमान, और ये मुझे बहुत बहुत वसी हो या ना हो ये एक अलग डिबेट है। मसला ये है कि हमारे मजहब में सुनत ये है कि अगर आप सालन पकाते हैं ना या कोई ऐसी चीज बनाते हैं, कोई मीट की डिश होती है, हम सुन्नत के मुताबिक अगर उसकी खुशबू बाहर जाएगी तो प्रेफरेबल है कि आप उसका कुछ उसमें पानी डाल दें। हदीस मुबारका का मफहूम कुछ ऐसा है कि आप अपने हमसाये को भी दे दें कि उन लोगों को वो अर्ज, वो क्रेविंग जो उनको शायद वो खुशबू सूंघ के हो रही है, उनकी बहुत सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ ये हमारा मजहब सिखाता है और दूसरी तरफ हम बहुत लंबी लंबी तस्वीरें जो आप खाने की या अपने जिस तरह भी आप गिराज किसी साहब की बात कर रहे थे आप दिखाते हैं तो बहुत सी तरह की नजरें होती हैं, उनमें बहुत सी हसरत भी होती है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों के साथ लोगों को तकलीफ ना दी जाए इन चीजों से। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस इब्राहिम, वेरी वेल सेड, एंड ऑलवेज वी गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। एंड इस तरह के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम में एडिशन करते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और यही सीख के फिर हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में ये पैगाम आगे लेके चलते हैं। जितना जो कुछ मैंने एंकरिंग करने के बाद सीखा है वो अपने इन ज़हीन कॉलर्स की वजह से भी सीखा। बिल्कुल। एक आपकी एक अपब्रिंगिंग होती है, एक आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का माहौल होता है, और फिर हम अपनी स्पेसिफिकली टेलीविजन की अगर बात करें, सिंस मैंने लाइव प्रोग्राम ज्यादा किए तो जो ऑडियंस से या फिर व्यूअर्स से मुझे जो एक फीडबैक मिलती है, जो एक अच्छी बातें मिलती हैं, उनको मैं अपने दिल के अंदर रख लेता हूं ताकि मैं आगे इनको लेके चलूं, और जब आगे जाके कुछ अगर अच्छी बातें मेरे मुंह से निकलती हैं तो वो सिर्फ मैं रीफ्रेज कर रहा होता हूं जो मैंने बाकियों से सीखा होता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ज्यादा याद रखा है, या अल्लाह की बड़ी देन है कि मुझे पॉजिटिव याद रहता है। जो नेगेटिव हुआ है, ऑब्वियसली कुछ लोग बीच में आते हैं जो नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं, आपके ऊपर झाड़ रहे होते हैं, वो मुझे याद नहीं, और वो मुझे दिल को इतना मतलब कि लगा ही नहीं कि आपका अपने कमाल है वाकई, वरना ये भी होना मेरी तरफ से होता कि आपको इतना अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहे कि आपको अच्छी चीजें ही याद रहे, बुरी ना रहे। और जैसे कि मिस्टर इब्राहिम ने कहा कि अगर आपने
एक अच्छी चीज की तरफ लेके आना, ये तो तनकीद के जरिए क्यों, एक तरीका एक चीज होती है, आपने दूसरे बंदे को उड़ा के क्यों बताना है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आपको लगता है वो कुछ गलत कर रहे हो और आपके तरीके से नहीं कर रहे तो फिर अमाल के जरिए बताइए, करके दिखाइए, और अगर करके आपका इम्पैक्ट वो बन रहा है, दूसरे बंदे के दिल को भा रहा है और इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो खुद आपके पीछे है, तो लीडर बने ना। लेकिन यहाँ मैसेज करके उड़ा के भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम दोजख में जाओगे ये करने की वजह से, तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या बड़े बड़े अजीब अजीब नाम आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपसे उम्र में भी बड़े होते हैं उनके लिए भी, खवातीन होती हैं उनके लिए भी, विदाउट रियलाइजिंग किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी आसानी से ऐसे ही बेहतर नहीं है कि अगर आपने करेक्ट ही करना है किसी का तरीका और आपको लगता है वो गलत है तो जरा अपने अमाल के जरिए करें, आपकी भी बेहतरी हो जाएगी, उसकी भी बेहतरी हो जाएगी। क्या की तरह बड़े सीरियस हो गए, ये क्या मसला है? अच्छा, ब्रेक पे जाना है, जाना एक जर्नी पे जाना है। ओ, हम आजकल आपको 8 से लेकर 9:30 एक दिखा रहे हैं बड़ा स्पेशल किस्म का प्रोग्राम, जिसका नाम है, जिसका नाम है फेज आउट कर गई फिल्म निकाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आज मुकीत कह रहे थे, बिल्कुल 10 साल गुजर गए केटू को, और हम ये पूरा जो एक एनिवर्सरी का सिलसिला हमने स्प्रेड आउट किया पूरे रमजान में। असूलन हमने ये मार्च में करना था, लेकिन मार्च में कोरोना वायरस की वजह से अच्छा माहौल भी नहीं था, वो सही वक्त भी नहीं था, तो हमने इसको डिले किया। अब रमजान में हम हर रोज 8 से 9:30 एक सिलसिला चलाते हैं पुराने खास प्रोग्राम्स का, खास सितारों का, ऐसे बड़े बड़े नाम जो आज माशाल्लाह मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ा नाम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने आगाज केटू टेलीविजन से किया, उनके खास प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। अब ये कौन कौन लोग हैं, किस तरह के प्रोग्राम है, किस नोयत के प्रोग्राम है, केटू 10 से 11 साल के। अब जो आपने टेस्ट ट्रांसमिशन का कहा ना, इसका मकसद ये है कि हमने टेस्ट ट्रांसमिशन के अंदर ही बड़ा काम करना शुरू कर दिया था, जब ऑफिशियली हमारा काम शुरू भी नहीं हुआ था तब से ही बड़े खास प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसकी झलक हम आपको दिखाते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर। कश्मीर मैगजीन खाजा के साथ बहुत सारे लहजे हैं और सारे बहुत प्यारे हैं, इसी तरह फारसी है और पश्तो। बात सब छुपा लो जितनी, लो जी कर लो गल, हम तो सच बताएंगे। हम भी इधर बैठे हुए हैं और हम लोग देखो शो कर रहे हैं, कैमरा को फेस कर रहे हैं। मजा आता जब सारे साथी यहाँ पे मौजूद हों, सब मिलके हल्ला गुला करें, हंगामा करें। स्लॉट ऑफ हिस्ट्री में लिखा, हम अपने बच्चों को झूठ पढ़ाते हैं, हम उन्हें वो किस्से सुनाते हैं जो हकीकतन कभी हुए। वो असल में मियां चुन्नू मेरे मामू का गांव है ना, इसलिए महदूद सोचे कुछ और सोचते। सोच रहे होंगे कि आज हम इंस्टाग्राम पे लाइव क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने अभी सोचा है कि हम इंस्टाग्राम पे लाइव क्यों नहीं आए, लेकिन आज हम बातों में, लेकिन हाँ बातें बहुत जरूरी थी, बहुत ज्यादा ये दिल में बहुत भरी हुई थी बात, हाँ ये बड़ा था जो निकालना आज जरूरी था। और ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप इजाजत देते हैं कि हम जैसे लोग, हम जैसे नाचीज लोग आके आए हाय शायराना जुबान देखें, शायराना जुबान, आप लोग इजाज़त देते हैं हमें, वो एक आप लोगों ने एक इज्जत भी दी हुई है, आप लोगों ने वो रिस्पेक्ट दी है, आप लोगों की वजह से ही हम हैं और ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि आप लोग सुनते भी हैं फिर उस पर अपना रिस्पांस भी देते हैं और बहुत अच्छा एक रिएक्शन देते हैं जिसकी वजह से हमारा खून डबल हो जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है और हम इस तरह की बातें मजीद करते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर सिल्वी
शशके वाली चीजें ही वायरल होती हैं। वायरल होती हैं बिल्कुल। ये अच्छी अच्छी बातें और सादगी के हवाले से बातें ये लोग वायरल नहीं, हाँ, ये लोग ज्यादातर कहते नहीं यार ये नहीं, लेकिन ये हमारी केटू की ऑडियंस है जो हमें यकीन दिलाती है कि ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं, सही बात है। आप लोग इंटरनेट पे क्यों नहीं है? आइए ना, वहाँ भी आए ना, हमें फॉलो करें, करें ना वहाँ ऐसी बातें किया करें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गंद फैला हुआ है। आप लोगों की बड़ी जरूरत है इंटरनेट की। वाकई, क्योंकि मैं जब इंटरनेट पे देखती हूँ, मैं कहती हूँ सारे लोग एक ही जैसे सोचते हैं। वाकई ये शशके और ये एक बड़ा फैंटेसी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना मूवियों का, फिल्मों का, कार्टून का, जिसमें एक शहर के अंदर बड़ी गंदगी फैली होती है और डार्कनेस होती है, और एक विजिलेंटी होता है जो हीरो होता है, जो उस जुर्म को, उस डार्कनेस को, उस अंधेरे को मिटाने के लिए आता है। मिटाने के लिए। तो ये जो हमारे केटू के व्यूअर है ना, ये वो हीरो हैं। ये वो है। आप हीरोज को बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा अंधेरा छा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी मीडिया के ऊपर। आप लोग निकल के बाहर आए और इन अच्छी चीजों को हमारे साथ मिलकर आगे लेके चले, क्योंकि हम तो चंद लोग हैं ना, मतलब आप लोग साथ देंगे और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की बातों को वायरल करेंगे, तो वो दूसरे लोग जरा शर्म के बारे पीछे होना शुरू। बिल्कुल, बूंद बूंद से समंदर बनता है, दरिया बनता है समंदर बन रहा दरिया समंदर, चलिए समंदर, हम समंदर बना लेंगे, बड़ा वाला हम बना समंदर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? दरिया तो नहीं था। अच्छा जी, जल्दी से व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे साथ यार अपनी तस्वीरें क्यों शेयर करते रहते हैं आप लोग, क्या है इनको बड़ी जल्दी। उस्मान फ्रॉम हरिपुर, अस्सलाम वालेकुम केवान भाई, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, वेरी नाइस शो। मतलब कि तस्वीर ही दिखानी है ना, तस्वीर दिखाएंगे। मतलब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा अभी तक, किसी ने अपने दस्तर खान की तस्वीर नहीं दिखाई। हाँ वैसे वाकई तस्वीरें तो आपने खींची होगी, मैं मान नहीं सकती। योर शो इज बेस्ट, बेस्ट शो, आई एंजॉयड। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, टेल मी। नहीं लिखा। अच्छा जी, मैसेज डिलीट कर दिया। How are both of you? मैं हानिया from इस्लामाबाद, आज first time आपका program देखा, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया। ये कौन है? हानिया। Who is this? जरा edge पे खड़े, थोड़ा पीछे, दो कदम पीछे बेटा। अच्छा हानिया, आपने जिसकी तस्वीर शेयर की उनका भी बता दे। अच्छा जी, ये कौन है जी? आपका program बहुत अच्छा है, पहली बार देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये इनका बेटा है माशाल्लाह। और दूसरी पिक्चर में अभी भी उन्हीं का बेटा है और पाउट कर रहा है रज के। आजकल के बच्चे भी बड़े चीज हो गए। थैंक यू सो मच सर पिक शो करने के लिए, मेरा नाम तस्लीम अबासी है, आई एम अ गर्ल, माय हस्बैंड नेम इज दिलशाद अबासी। सर बहुत बहुत टीवी चैनल्स हैं, जो बात केटू में है वो बाकी में कहां। बहुत टीवी चैनल्स हैं लेकिन जो बात केटू में है वो बाकी में कहां। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम। अगर देखा जाए तो माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में इन दिनों खासकर क्या मान दुकानदारियां ही होती हैं। बाकी चैनल, बाकी एंकर पर्सन, बाकी रिपोर्टर, ये जो सारे लोग हैं, समझ रहे हैं ना, ये जो बाकी सारे लोग ये हैं, नहीं है। ये जो सनसनी फैला रहे हैं बिल्कुल, ये जो खौफ फैला रहे हैं बिल्कुल, और ये जो रेटिंग्स के लिए हर बुरी चीज के ऊपर छलांग मार के एकदम आ जाते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज के साथ, ऐसे ही है, हम नहीं बिलीव करते। इन फैक्ट फॉर दैट मैटर खैबर न्यूज की पॉलिसी में थोड़ा बहुत मेंशन करता हुआ चलूं, खैबर न्यूज की पॉलिसी अब स्पेशली जब से कोरोना COVID-19 आया है जी, कि हम ब्रेकिंग न्यूज के कल्चर में नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऑथेंटिकेट करेंगे, हम पहले उसको कंफर्म करेंगे, और जब कंफर्म हो जाएगा फिर जाके हम उसको डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले भी ऐसे नहीं करेंगे कि ये सबसे बड़ी खबर है, ऐसे ही है, ठीक है जी। साथ साथ बताना जरूरी है कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कितनी तादाद है, कितने लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, ये सब कुछ बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि न्यूज चैनल का एक काम होता है। लेकिन इसको सनसनी खेज तरीके से बताना, इसको सेंसेशनलाइज करना, इसको बिल्कुल टीवी के ऊपर इतने बड़े बड़े टेक्स्ट और लाल पट्टी के साथ छाप देना, हमारी पॉलिसी नहीं, ये हमारी पॉलिसी। और केटू में भी अगर कहवान देखें, हम एक घंटे का खबरनामा देते हैं, लेकिन उस एक घंटे में हम पूरा आपको अखबार सुना देते हैं, अखबार की जो खास खबरें होती हैं वो एक घंटे में आपको सुना देते हैं, सारी बता देते हैं। हाँ हमें ये बताया जाता है हमारे करेला से सलेला है आप? नहीं सलेला, सलेला नाम ठीक बोला, गलो
सड़ेला। जैसा मैं हूँ हमारा चैनल भी वैसा ही है जनाब, सख्त किस्म के हमने खबरदार। ये आप लोग इधर शो क्यों कर रहे हैं, हंस क्यों रही है आप, बड़ा हंस रही हैं क्यों इस माहौल में? हंसना क्या, हाँ हंसने में कोई पाबंदी है? कोरोना चल रहा है, डोंट यू हैव द कॉमन सेंस, कोरोना चल रहा है तो सख्त हालात खराब हुए हैं। और आप हंसने से कोरोना का क्या ताल्लुक है? वो ठीक फेफड़ों से आपकी हंसी अंदर जाती है, कोरोना अंदर चला गया फिर आप क्या करेंगे? चले जी, ये देखिए इस किस्म के रिपोर्टर्स क्या करना चाहिए भाई कोरोना में, भाई दूर दूर होके बैठे। देखे मैं आपके दूर दूर यहाँ से जा रहा हूँ खबरदार, बस बाय द वे नाइस ड्रेस। कैसी बातें कर रहे हैं अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। अच्छा क्या हद की है वैसे, हद की है शुरुआत तो ये है, कोई आहिस्ता आहिस्ता हदें तो फिर बनती जाती है। मुझे आप अपनी जो 3D क्लासेस पहन के आए हुए हैं, ये आपका क्या मकसद था कि भाई हंसना नहीं चाहिए, दूर दूर होकर बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या खौफ और आस फैला रहे हैं आप? इस किस्म के बंदे होते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है, ये 3D ग्लासेस से मुझे 3D जरासीम नजर आ जाते हैं। अच्छा, ओ अच्छा। और फिर मैं सबको जनाब आगाही देता हूँ, रिपोर्टर आवे नहीं, मैं करेला न्यूज नेटवर्क का सड़ेला रिपोर्टर आवे नहीं, मैंने लकब एक मकाम हासिल किया मैंने। ये देखे ना जबरदस्त 3D ग्लासेस भाई, आपको 3D का पता नहीं, थर्ड डायमेंशन 3 किस्म के जरासीम, 3 1 2 3 3 3 जरासीम। अच्छा अच्छा, मुझे बताए आपने आते साथ हमारी ये प्रोग्राम पे बड़ी तंकीद की है, क्या हो रहा है आप लोग, है केटू टीवी को अकल ही नहीं है को, आप लोग कर क्या रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस क्यों ले रहे हैं, मुझे बता सांस क्यों लेते हैं आप? मसला क्या है, क्यों सांस से कोरोना अंदर चला गया फिर क्या करेंगे आप? आप जैसे रिपोर्टर्स ही होते हैं, हंसना नहीं है, सांस नहीं लेना है, उसके अलावा फासला मजीद रखना है, आपके जरासीम है, तो क्या करें हम लोग, और क्या क्या नहीं करना? ये देखें जी, बस को पता है कख नहीं, टीवी पे आके बैठ गया, केटू डाले विजन पे, देखो अकल है नहीं तो मैं मेरे जैसे रिपोर्टर को हायर करते, ये दिन ना आपको देखने पड़ते हैं। और क्या क्या चीजें जो हमें करनी चाहिए? वो चुप करके बैठ जाए, बस चुप करके अपनी शक्ल दिखा दे, तेरा भी होता है नाइस ड्रेस वैसे। तो लोगों को क्या हमें पैगाम क्या देना चाहिए? खबरदार आप जो एक दूसरे के करीब आए, खासतौर पर यह देखें इनके सोफों में और जरा ज्यादा गैप होना चाहिए, क्योंकि हसीन खवातीन जो है दूर दूर बैठी तो अच्छी लगती है। अच्छा, आप बड़े मतलब बड़े चैनल से ताल्लुक है आपका, बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम काम कर रहे हैं, बड़ी आपकी व्यूअरशिप है, मुझे बताएं कोरोना के हवाले से आप लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? दूर होकर बैठा करें, वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप चलें हमारे साथ इधर क्या कर रही हैं, क्या दे रहे हैं आपको ये लोग? जिस चैनल में आप जैसे रिपोर्टर्स काम करते हैं ना, मैंने वहां काम ही नहीं करना, खौफ और हिरास फैलाते होते हैं फिजूल में। ये तो आपस की बात है ना, ये तो हम इनको डरा रहे हैं, हमने तो शुगल में नहीं कर रहे हैं, ये बात हुई है, ये हमने तो शुगल में। अच्छा खबरदार, दूर दूर होकर बैठे, ये बलिजन पूछने को पता कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे इधर बैठ के आता है, हंसता रहता है, मुझे ही करता रहता है, इसको पता है नहीं मैंने बातें क्या करनी है, हंसना नहीं है और खाना भी कम खाया करें। हाँ आप लोग क्या कह रहे थे, सादगी भी बात, ये सादगी होती है उफ्तारी पे तीन तीन डिशे रखे हम लोग खा रहे होते, ये सादगी तो नहीं होती, ये सादगी सादगी ये होती है कि आप अकेले ही 3 डिशे खा लें। अच्छा ठीक है, आप जरा निकले, मैंने जरा आपसे नहीं निकलता नहीं, मैं तो आपके एक डिपार्टमेंट में जाऊंगा जाके सबको मैं शिकायत लगा दे रहा वो सर। अच्छा, एक काम करें, यहाँ से ना सीढ़ियों से ऊपर जाके लेफ्ट होना है, ये सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा नाजरीन, ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो सड़ेला आया था करेला से, नहीं सॉरी, सड़ेला न्यूज एंकर का नाम था और करेला न्यूज से इनका था जी, बहुत फेमस न्यूज चैनल है ये, बड़ी जी लोग इसको देखते हैं, बड़े लोग देखते भी हैं, बड़े लोग तंकीद भी करते हैं, बड़े लोग फॉलो करते हैं, और इस पे अक्सर औकात, अब ये मैं जनरली हर बड़े न्यूज चैनल की बात करूंगा जी, इस पे अक्सर औकात सारे एक ही रट पे लगे हुए होते हैं और एक ही एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, कि उनका मकसद ये होता है कि एक खबर को सेंसेशनलाइज करें, उसको बढ़ाओ चढ़ाओ दें और चीख कर बताएं लोगों को, ताकि लोग सुने और लोग उसकी वजह से इफेक्ट हो, और फिर इफेक्ट होने के बाद दोबारा उसी चैनल पर जाके देखें कि भाई अब हालात मजीद कितने बुरे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी जो सादा आवाम है, ऐसे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल से होती है बड़ी इफेक्ट, बड़ी नेगेटिवली इफेक्ट होती है, और फिर ये जो नेगेटिविटी होती है ये निकलती है सोशल मीडिया पे, फिर हर कोई बन जाता है सहाफी। हाँ, हर कोई बिल्कुल सोशल मीडिया पे जब भी देखो, फिर जिसके बस में जो आता है वो बोल देता है और वो चीज हो जाती है वायरल, और कोई भी तस्दीक किए बगैर उसको लेता है मान, और लोग बन जाते हैं नफ्सियाती मरीज। बिल्कुल, अब गेस करें AVD चैनल इस हवाले से क्या ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं,
और हम बाकायदा अपनी एक हमारी काविश है, हमारी कोशिश है, हमारी मिशन स्टेटमेंट है जब से कोविड 19 स्पेशली आया है, हमने खौफ नहीं फैलाना, बिल्कुल नहीं, हमने आप लोगों को इस तरह चीख चीख के इस तरह हरासा भी नहीं करना, और साथ साथ हमने एंटरटेनमेंट को भी रखना है ताकि आपका माइंड थोड़ा हटे और आप रिलैक्स रहे, रिलैक्स भी रहे, आपको हौसला देना है, बिल्कुल। जहां एक वबा आई हुई है और हमें डेफिनेटली रियलिस्टिकली इफेक्ट कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर मजीद एक और बीमारी ऐड करें, बिल्कुल। और वो पश्तो में हम कहते हैं ना, मर्ग नमक के मुड़के दिल, मर्ग नमक के ममरा, मतलब मौत आई नहीं होती और सब लोगों ने वो फैलाया होता है कि बस मौत आई, उस खौफ और इरादे से मौत आ जाती है, ये नहीं फैलाना हमने। वबा है, ठीक है, हमें एहतियात करनी चाहिए, इतना भी डेडली नहीं है जितना इन न्यूज़ चैनल्स, सड़ेला न्यूज़ एंकर्स और रिपोर्टर्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा जो डराते हैं, ये जो बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी करेला टाइप के हैं, ठीक है ना। तो इनकी बातों में आपने नहीं आना, आपने उस तरफ जाना है जिससे आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो। इस एंगल से जरा अगर टीवी और कॉन्टेंट देखना शुरू कर देना कि क्या ये मेरे बच्चे इससे कुछ अच्छा सीखेंगे, फिर उस तरह अगर आप जज करना शुरू कर दें चैनल्स को, हाँ। तो मैं बड़े वसूख से और बड़े फखर से कहता हूँ कि एवीटी चैनल्स टॉप पे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप कमर्शियलाइजेशन और मार्केट ट्रेंड्स एंड रेटिंग एंड उस हवाले से चलें कि भाई कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेंसेशन क्रिएट कर रही है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा लाउड है, ग्लैमरस है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें कर रही है, उस हिसाब से अगर जज करना है तो बड़े बड़े चैनल है, फिर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप फैमिली वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को अगर आप मद्देनजर रखते हुए चैनल्स को जज करें, देन हम शुरू दिन से उसी को प्रायोरिटी बना के चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो थोड़ी बहुत बात होगी तो थोड़ा अब एंटरटेनमेंट की तरफ भी देखे चलते हैं। जहाँ हम जश्न अज़्म हौसला की बात कर रहे हैं, वहाँ हम अब आपको थोड़ी बहुत झलक दिखाते हैं कि हमने इस साल से पहले, अनफॉर्चुनेटली इस साल उस तरह हम बड़ा जश्न नहीं मना सकते बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग, उस लेवल का क्राउड नहीं गैदर कर सकते, बड़े शोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक हाईलाइट तो हमने दिखानी है कि K2 टेलीविजन शुरू दिन से अपनी एनिवर्सरीज पे क्या करता क्या, है, क्या करता है, बिल्कुल। क्या खूबसूरत प्रोग्राम, क्या रंगारंग प्रोग्राम, क्या खूबसूरत सेलिब्रिटीज, क्या बड़े शोज, क्या बड़े लेवल के सिंगर्स, इतनी तादाद में लोगों को जमा करके हमने सिंगर्स को बुलाया, और उसके अलावा जिसमें सिंगर्स मेनस्ट्रीम नहीं थे वहां हमारा कंटेंट बड़ा मेनस्ट्रीम था, बिल्कुल। तो ये आपको हाईलाइट दिखाते हैं इस शोरील के अंदर कि K2 टेलीविजन ने अपनी ये बाकी की जो 9 एनिवर्सरियां हैं वो कैसे सेलिब्रेट की। कनेक्ट, तो आज उसी नाम से हमने K2 कनेक्ट स्पेशल, एनिवर्सरी स्पेशल आपके लिए तैयार किया। नाज़रीन, K2 की चौथी सालगिरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम एजाज गुल साहब। K2 दी चौथी सालगिरह होते असन सजाइए, जरा नहीं बदला करंटा पक्की मौत जो के आज दा जाई मौत है तू इंसाना दी। बहुत खास दिन है 23rd मार्च यानी 23 मार्च और K2 की चौथी सालगिरह। तेल ते खूब देख के शहीद ते ओ एने ते मसले शहीद दी फिल्म बन जंदी है। K2 दी एनिवर्सरी अपने सिर ते जी मड़ाए ते मड़ा सई धड़के पाकिस्तान। नमे मेहमाना लाल तुसाने खिदमत विच हाजिर आ, समझाया मैं कुतिया को, यकीन करो बड़ा डरना है। हमारा प्रोग्राम है लाहौरी रंगे शुमाल यानी कलर्स ऑफ नॉर्थ, प्रोग्राम कोयटा वाल के एक खूबसूरत और बेस्ट और स्पेशल शो के साथ अपना शाद कर। सबने है माना बाद नौ बहार चले, ओ माय लेडी चल मेरे नाल आ जा नी आ जा बह जा इन द कार। अज का शो बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि अज के इस प्रोग्राम के जानते हो
व्यूज लेंगे K2 के बारे में। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू पीपल गो। अरबी चैनल भी देखते हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं कि इसको इसे देखें। थीवी एनिवर्सरी सालगिरह तुसा मुझ मुबारक। चिनारा नी चा छठी सालगिरह ना स्पेशल प्रोग्राम है। FIA के सेंटर, दिस इज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ आजाद कश्मीर। मैं भी देखना हुआ कि खादिम हुसैन दा पुत्र जिंदगी दी दौड़ च केड़ा तीर मारदा है। डेडी प्रोग्राम दा सफर भी जारी है, K2 टेलीविजन दा सफर भी जारी है। K2 टेलीविजन आज 6 साल दा हो गया। आज हमारे लिए और आप सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज K2 की हम छठी सालगिरह मना रहे हैं। तो मेरा 6 साल का सफर है, जितना मैंने ग्रो किया है K2 के साथ, आई थिंक पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आए हैं। इस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बड़े बड़े स्टार्स जो खैबर TV के हैं वो बहुत दूर से आए हैं। रंग रंग के फुकरिशमो नजाकत, रंग रंग नक्शो निगार दे। सारियां तू पहला सारे तखणे वाले की बहू बहू K2 चैनल नी सालगिरह मुबारक। मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौशीन, कैसा लगा अहमदाबाद से इस्लामाबाद का सफर? इस अंदाज से आप लोगों ने वेलकम किया है, वो तो क्या बात है जी उसकी। और 7वीं सालगिरह डेडी दी टीम जीड़ी है वो ग्रांड दरवाजा बेच आके तो मना दी है। आपकी तालियों के गूंज में दावा देता हूँ मलकू। ये सब कुछ तुसी देख सो K2 दी 7वीं सालगिरह दे प्रोग्राम पिशोरी कावे। K2 टेलीविजन और K2 टेलीविजन दी जनाब 8वीं सालगिरह। साले नौ अजमे नौ के स्पेशल ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद। जब कोई प्यार से बुलाएगा। नया साल का आगाज भी हो गया और नवे साल का आगाज भी हो गया। K2 TV साले नौ नवी सालगिरह सारे मुझ मुबारक होवे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट जो भी हमने आपको दिखाया है, मैं काशिफ आपको ऑन एयर दाद देना चाहता हूँ। बहुत आपने अच्छी कंपाइलेशन की है, बहुत कम वक्त में की है। पूरे 9 साल की एनिवर्सरी की उन्होंने एक क्रस्ट निकाला है, 5 मिनट के अंदर दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। वेरी गुड एडिटिंग। अब महसूस हो रहा है कि आप 15 साल से एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वरना होता नहीं है महसूस मुझे अक्सर, लेकिन आज तारीफ बनती है काशिफ। नहीं वाकई बहुत अच्छा काम किया काशिफ आपने। एंड लिटरली जो सारी चीजें हैं जिनसे हम एसोसिएट करते हैं K2 से, जिनका हिस्सा पुराना है, आपका 3-4 साल का। हाँ, मेरा 4 साल का। मेरा 10 साल का एक डायरेक्ट ताल्लुक है। वैसे तो पुराने है, लेकिन 10 साल का मेरा ताल्लुक है K2 के साथ। उसके अलावा यासिर, आप रहने दे, आप काउंट नहीं होते। अच्छा, ये खैबर से भी पहले का है ये बंदा है। तो जिनका बहुत पुराना ताल्लुक है ना, वो बहुत फील कर रहे होंगे इन सारी, क्योंकि काफी लोग इन सारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और आज भी हमारे साथ है। मंजूर भाई, आप कब से? 14 साल। एक साल हुआ है मुदस्सर को। मुदस्सर ये चेक किए, ये अब तुम्हारे होते भी नहीं हो रहा। मंसूर भाई का 14 साल के। मंसूर भाई इन सारे अक्सर जो हमने आपको भी दिखाया, मंसूर भाई कैमरे पे थे। हाँ, अक्सर बड़े कैमरे बड़े जो शोज थे उसमें मंसूर भाई थे। एंड हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका बहुत पुराना ताल्लुक है AVT चैनल्स के साथ। इन सारे बड़े बड़े शोज, रंगारंग शोज का हिस्सा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थे। एंड सारे फील करते होंगे कि हमने कब किया था, किन सर्कमस्टेंसेस में किया था। हाँ, कितना मजा आया था, कितनी गर्मी थी, कितनी सर्दी थी, हर मौसम में हमने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ पेश किया है। इस साल सिर्फ इस वबा की वजह से थोड़े से हम रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि K2 की एनिवर्सरी भी और ईद भी आपकी
बिल्कुल एक बड़ी रंगा रंग और मजे की निकले की। इसके बाद से बड़े सरप्राइजेस, अब हमने वाइंड अप करना है जी, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर चले गए, लेकिन वाइंड अप करने से पहले बीच में जी हमारे स्टूडियो पे एक अटैक हुआ था, एंड ये मैं आपको अटैक थोड़ा सा दिखा दूं। मुबारक भाई से रहा नहीं गया और वो आ ये देखें, हम दोनों की एहतजाज के दरमियान भी उन्होंने स्टूडियो पे मारा डाका और अब वो वापस ऊपर गए हैं जी, और भागते भागते उन्होंने आरिफ काजी साहब के साथ बाकी का प्रोग्राम देखा है। एंड ये लें जी मुबारक भाई, मैंने आपको वादा किया था कि मैं दिखाऊंगा। इधर आके कहते हैं कि वन मिनट पिक्चर दिखाना। अच्छा, उसके अलावा जल्दी से मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। इसके अलावा माज मुगल है इस्लामाबाद से, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका, दसर खान की पिक इंशाल्लाह कल सेंड करेंगे आपको, ठीक है? ओके, कल हम नहीं होंगे, ठीक है, आप फिर भी सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या किया मैंने, क्या हो गया, हो जाता है कभी भाई जल्दी में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोन भाई फ्रॉम झेलम, थैंक यू सो मच। तस्वीर, आई एम सॉरी अब टाइम नहीं मेरे पास। माज खान है स्वात से, उसके अलावा माला फ्रॉम लोसार, रियली रियली एंजॉयड, थैंक यू सो मच। उसके अलावा समी शाह फ्रॉम हरीपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान फ्रॉम इस्लामाबाद, उसके अलावा हमजा फ्रॉम मखाना विलेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने अच्छी बातें करने की कोशिश की, कुछ अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की, कुछ बड़े अच्छे हमारे कॉलर्स आए, आपके बहुत अच्छे खूबसूरत मैसेजेस और तस्वीरें भी आई। उसके अलावा हमने K2 की जर्नी आपको दिखाई। 8 से 9:30 हम बेस्ट ऑफ का एक सेगमेंट करते हैं जिसमें K2 के खास प्रोग्राम्स हम आपको दिखाते हैं इस 1.5 घंटे के अंदर। हमने एनिवर्सरीज के सारे प्रोग्राम्स का एक आपको क्रश दिखाया, बदौलत मिस्टर काशिफ, एंड वो आपको एक हाईलाइट हमने दिखाई। उसके अलावा बीच में एक अजीब सा सड़ेला सा साफी भी आया जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन हमने माहौल खराब नहीं होने दिया और इस चीज को मजीद एस्टैब्लिश किया कि K2 टेलीविजन इस वबा के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर, इस जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे ऊपर आया, जो एक इम्तिहान हमारे ऊपर आया हुआ, इसके दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आपके चेहरों पे मुस्कुराहट फिर भी हिलाता रहेगा। किसी को अगर ये बात अच्छी नहीं लगती है ना तो ठीक है ना, कोई मसला नहीं, तो कोई नहीं, हम फिर भी करेंगे। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, आप लोगों से मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के अंदर, देखते रहिए K2 टेलीविजन, K2 की दुनिया से साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।